हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। डियर, कैसे हैं सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे। डियर, आपका यहाँ पे हम जो टॉपिक रह गया था आपका सब सरफेस सोर्स का, दैट इज़ द वेल। आज जो हम बात करेंगे, हम वेल की बात करेंगे कि कितने टाइप के वेल्स होते हैं और वेल से क्या क्या क्वेश्चन आपसे बनते हैं डियर एग्जामिनर में, और वेल से आपसे इंटरव्यू पर्पज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर, तो आइए अब देखते हैं वेल्स के बारे में। वेल्स को डियर मैंने एक फ्लो चार्ट में आपको दिखाया गया है कि वेल्स आपके पास डियर दो टाइप के वेल होते हैं। कितने टाइप के वेल होते हैं, यानी कि वेल होता क्या है? सबसे पहले वेल होता क्या है, एक वर्टिकल होल बनाया जाता है आपकी अर्थ के ऊपर। ठीक है, वर्टिकल होल मतलब अर्थ के ऊपर आप या तो हम मशीन डग करोगे या हंड डग करोगे, जहां पे भी आप डग करोगे और जहां पे भी आपको वाटर का स्ट्रेटा मिल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेल बोलेंगे। अब ये सर, ये वेल होते हैं, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं आपके पास। एक ओपन वेल हो सकता है और एक आपके पास ट्यूब वेल हो सकता है। अगर हम सर ओपन वेल और ट्यूब वेल की बात करते हैं कि जो भी आपके पास ओपन वेल होते हैं, ओपन वेल का जो साइज होता है, आपका जो डाया होता है एज कंपेयर ट्यूब वेल, वो ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इनके सरफेस एरिया की बात भी करते हैं डियर, तो जो ओपन वेल होते हैं और ट्यूब वेल होता है, ओपन वेल मतलब नाम में ही समझ आ रहा है कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ट्यूब वेल उसका सरफेस एरिया कम होगा। क्लियर है? अब ओपन वेल होते हैं आपके पास, ये ज्यादा मतलब आपके पास इसमें आपका ज्यादा वाटर नहीं होता है, होता है बट एज कंपेयर ट्यूब वेल कम होता है। अब बात कर लेते हैं हम, ओपन वेल भी आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक शैलो वेल हो सकता है और एक डीप वेल हो सकता है। शैलो वेल मतलब कि आपको वाटर का स्ट्रेटा कहाँ मिल गया, उसकी इम्परवियस लेयर पे ही मिल गया। आपके पास दो टाइप की लेयर होती है, एक परवियस लेयर होती है और एक इम्परवियस लेयर होती है। परवियस लेयर मतलब जहां से आपका वाटर बेरिंग स्ट्रेटा पास कर रहा होता है, इम्परवियस मतलब जहां से आपका पानी पास नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो शैलो वेल मतलब आपको वाटर कहाँ मिल गया, उसके इम्परवियस पे ही मिल गया। और डीप वेल का मतलब क्या हुआ कि जो वाटर बेरिंग का जो स्ट्रेटा था वो बिलो द इम्परवियस लेयर था। तो आइए देखते हैं इसको ही, हम अभी एक डायग्राम से आपको समझा देता हूं मैं यहाँ पे, कि आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। ये आपके पास टॉप सॉइल है, दैट इज टॉप सॉइल, टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के बाद दैट इज इम्परवियस लेयर, इम्परवियस लेयर, और इम्परवियस लेयर के बाद आपके पास दैट इज परवियस लेयर, और परवियस लेयर के बाद ये आपके हार्ड रॉक स्ट्रेटा है। तो मतलब आपके पास इस तरह से मैंने एक डायग्राम आपको बना के दे दिया है। क्लियर है? ये डायग्राम है आपके पास। यहां पे मैंने क्या किया, ग्राउंड है आपके पास, ये ग्राउंड का लेवल है, ये आपके पास एक ग्राउंड का लेवल है, दैट इज द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है हमारे पास। अब ग्राउंड लेवल पे ये आपके पास टॉप सॉइल है, मान लेते हैं ये टॉप सॉइल है, ये आपके पास इम्परवियस लेयर है, इम्परवियस लेयर है, और ये आपके पास परवियस लेयर है, और ये आपके पास मानो यहां पे आपके पास हार्ड रॉक आ गया। क्लियर है? बड़े ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर में बांटा मैंने। ये टॉप सॉइल है आपके पास, मान लेते हैं कुछ लेवल पर टॉप सॉइल होगी, उसके बाद इम्परवियस लेयर होगी, दैट इज इम्परवियस लेयर, उसके बाद परवियस लेयर, उसके बाद ये आपके पास हार्ड रॉक है मान लेते हैं यहां पे। ये आपके पास क्या आ गई है, हार्ड रॉक आ गई है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको वाटर का लेवल इस इम्परवियस लेयर पर ही मिल जाए, हो सकता है आपको वाटर का लेवल परवियस लेयर पे मिल जाए। तो मैंने यहां पे क्या किया, दो पाइप को मैंने यहां पे क्या किया, संक किया। तो मैंने यहां पे दो पाइप को संक कर देते हैं हम, एक पाइप को मैंने यहां पे संक किया और ये दूसरी पाइप को मैंने संक किया। ठीक है, बड़े ध्यान दीजिएगा, दो पाइप को संक कर देता हूं मैं यहां पे, मैंने क्या कर दिया, दो पाइप को यहां पे संग कर दिया है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अब पहला पाइप मैंने संग किया, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जो वाटर मिल गया है मुझे कहां पे मिल गया है, अपनी इम्परवियस लेयर पे मिल गया है।
एक टाइम ऐसे आया सर कि ये जो वाटर का लेवल था मुझे अब कहाँ पे मिला है, इम्परवियस लेयर पे ना मिलके मुझे कहाँ पे मिला है सर, ये इससे नीचे मिला है, दैट इज परवियस लेयर पे। ठीक है, यानी कि आपको बड़े ध्यान देना है कि आपको अपना वाटर कहाँ पर मिल रहा है, कुछ इस लेवल पे मिल रहा है, एक का मिल रहा है परवियस लेयर पे और दूसरे का वाटर टेबल मिल रहा है आपको इम्परवियस लेयर पे। कि जिस लेयर जो आपको इम्परवियस लेयर पे मिल रहा है उसको हम बोलेंगे शैलो वेल, और जो आपको परवियस लेयर पे मिल रहा है उसको बोलेंगे हम डीप वेल। तो आपका शैलो वेल की डेप्थ क्या है, शैलो वेल की डेप्थ बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये शैलो वेल की डेप्थ क्या है यहाँ पे, ये आपके पास ज्यादा है, शैलो वेल की डेप्थ क्या है कम है सॉरी यहाँ पे, और डीप वेल की डेप्थ क्या है सर ज्यादा है। तो आप इसका डिफरेंस कंपैरिजन कर सकते हैं कि शैलो वेल की जो डेप्थ होती है वो कम होती है जबकि डीप वेल की डेप्थ ज्यादा होती है। क्लियर है, अगर शैलो वेल आप उसको शैलो वेल कब तक बोलेंगे, जब तक उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो 3 से 5 मीटर तक रहेगा। अगर वो 3 से 5 मीटर से जैसे ही ज्यादा चला जाता है, यानी कि बिलो चला जाता है, 5 मीटर से ऊपर चला जाता है, तो उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, डीप वेल बोलेंगे। क्लियर है। अब उसी तरह से ट्यूबवेल में भी 2 टाइप के आते हैं सर, एक कैविटी टाइप ट्यूबवेल और एक स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, शैलो वेल और डीप वेल में सर सबसे बेटर वाटर क्वालिटी किसमें मिलती है, जो आपके पास जो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर आपको मिलता है वो डीप वेल में मिलता है। क्योंकि शैलो वेल में सर क्यों नहीं मिलता है, कि हो सकता है समर सीजन में जो आपका वाटर लेवल है वो क्या हो जाए, फॉल हो जाए, गिर जाए। ठीक है, ट्यूब वेल में भी 2 टाइप के होते हैं सर, एक कैविटी टाइप होता है और स्क्रीन टाइप होता है। स्क्रीन टाइप में भी आपके पास फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेनर टाइप ट्यूब वेल होता है और एक आपके पास ग्रेवल पैक टाइप ट्यूब वेल होता है। तो आइए अब इनकी हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है वेल, कि वेल क्या होते हैं आपके पास, वेल एक आपके पास होल होते हैं यूजुअली, जिनको हम कहाँ पे एक्सक्यूटेड करते हैं, इन द अर्थ फ्रॉम द ब्रिंगिंग द ग्राउंड वाटर। क्लियर है, चाहो तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, चलो मैं लिख ही देता हूं आपके पास, दैट इज ए वाटर वेल, जो एक वाटर वेल होती है आपके पास, इज ए वर्टिकल, ये क्या है आपके पास, इज ए वर्टिकल होल। कैसा है, वर्टिकल होल एग्जीक्यूटेड, जो कहां पे बनाया जाता है, एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दी ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम दी ग्राउंड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसका लिख लेते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, कि जो वेल होते हैं आपके पास ये आपके कैसे हो सकते हैं, ये आपके पास आपके डग वेल भी, मतलब ये आपके हैंड डग भी हो सकते हैं और मशीन डग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ये कैसे हो सकते हैं आपके पास, यूजुअली ये आपके पास मशीन डग भी हो सकते हैं एंड हैंड डग भी हो सकते हैं। याद रखना आपने, हैंड डग भी हो सकते हैं, हाथ के द्वारा बनाए हुए भी हो सकते हैं, खोदा हुआ भी हो सकता है गड्ढा, और मशीन के द्वारा भी। उसके बाद वेल्स आर टू टाइप्स। वेल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं सर, ओपन वेल होता है और एक ट्यूब वेल होता है। ओपन वेल जो होता है आपके पास, इसमें क्या होता है, ये ओपन ही होता है, बट जो ट्यूब वेल में होता है इसमें क्या होता है, एक पाइप, पहले आप ग्राउंड को डिग कर दोगे, डिग करने के बाद आप उससे एक पाइप को इंसर्ट करोगे, एक पाइप को, लॉन्ग पाइप को संग करोगे, और जब आप अर्थ के नीचे पाइप को संग करते हैं तो यहाँ पे अर्थ के नीचे डिफरेंट लेयर्स बनी होगी, कुछ लेयर होगी जो परवियस होगी, कुछ लेयर होगी जो इम्परवियस होगी। जहां पे भी आपको वाटर का स्ट्रेटा मिल जाएगा, वाटर बेरिंग का स्ट्रेटा मिल जाएगा, वहां तक आप पाइप को संग कर दोगे। ठीक है, तो ओपन वेल में हम जो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सर जो ओपन वेल का जो डाया होता है वो क्या होता है आपके पास, लार्ज होता है। इट्स डाया, इसका जो डाया होता है कंपैरेटिवली, मतलब इट्स डाया इज लार्ज कंपैरेटिवली, किसके कंपैरेटिवली में, कंपैरेटिवली ऑफ ट्यूबवेल के कंपैरिजन में। क्लियर है, डाया लार्ज होता है बट नॉट डीप, डाया लार्ज होता है कंपैरेटिवली ऑफ ट्यूबवेल, और इट इज नॉट डीप, और इट इज
नॉट डीप, ज्यादा गहरा भी नहीं होता है ये सर। बिल्कुल सर, ओपन वेल के बारे में पता लग गया। और सर जो इसकी वाटर की जो क्वालिटी होती है, सॉरी क्वांटिटी होती है, वो यहाँ पे क्या रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। तो यानी कि इसकी यील्ड क्या रहेगी, लो रहेगी। इट्स यील्ड, इट्स लो यील्ड, कि जो वाटर की जो यहाँ पे प्रोडक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है आपके पास ट्यूबवेल। ट्यूबवेल की बात करते हैं, इसका जो डाया होता है, इट्स डाया क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर्ड, किसके कंपैरिजन में छोटा होता है, आपके ओपन वेल के। बट इट इज डीप, बट ये कैसा होता है, बट इट इज डीप होता है। क्लियर है। बट कैसा होता है, डीप होता है। क्लियर है। और इसकी जो यील्ड होती है वो क्या होती है, वो भी ज्यादा होती है। इट्स यील्ड, इट्स मोर यील्ड, तो आप लिख लेते हैं इट्स मोर यील्ड। क्लियर हुआ ये पॉइंट। उसके बाद एक और पॉइंट लिखते हैं, इसमें करते क्या है सर, इसमें करते हैं ट्यूबवेल इज ए लॉन्ग पाइप। ये क्या है आपके पास, ट्यूबवेल इज ए लॉन्ग पाइप, लॉन्ग पाइप संक इनटू द ग्राउंड, संक इनटू द ग्राउंड इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग इंटरसेप्टिंग वन और मोर, वन और मोर वाटर बीरिंग स्ट्रेटा, वन और मोर वाटर बीरिंग स्ट्रेटा। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपके पास ओपन वेल क्या होता है और ट्यूब वेल क्या होता है। ओपन वेल का डाया आपके पास ज्यादा होता है, ट्यूब वेल का डाया कम होता है। बट ओपन वेल के पास क्या होते हैं, आपके पास ज्यादा गहरा नहीं होता है, जबकि आपके पास ट्यूब वेल ज्यादा गहरा होता है। ठीक है, आपके पास जो यहाँ पे वाटर रहता है ओपन वेल में, जो वाटर रहता है वो क्या रहता है, इसमें लो यील्ड रहती है, मतलब पानी ज्यादा रहता है, और इसमें पानी कम रहता है, मतलब इसकी कम क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है। कि इससे अब देखिएगा सर, ओपन वेल और ट्यूब वेल में जो भी आपके पास ओपन वेल होता है, यहाँ पे सबसे पहला याद रखना कि सफिशिएंट एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इज नॉट, ठीक है, कि यहां से आपका क्या नहीं हो सकता है ओपन वेल से, ना तो आपका कंटिन्यूअसली एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर नहीं हो सकता आपके ओपन वेल से। बट ट्यूब वेल में क्या होता है, आपके पास सफिशिएंट एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्यूब वेल, तभी मैंने इसको क्या बोला है कि इट्स मोर यील्ड। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि आपके पास ओपन वेल भी दो टाइप के होते हैं। ओपन वेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक शैलो वेल होता है और एक डीप वेल होता है। क्लियर है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको पीछे ही दिखाया था, अब देखो डायग्राम में, यहां पे देखो, यहां पे बनाने की जरूरत नहीं थी। यहां पे आपके पास क्या है कि शैलो वेल में आपके पास, इसको मैं शैलो वेल मतलब एस डब्ल्यू लिख देता हूं, यहां पे क्या लिख देता हूं मैं, एस डब्ल्यू, कि जिसका जो डायग्राम है सर ये एस डब्ल्यू का है, मतलब शैलो वेल, और ये आपके पास डीप वेल डी डब्ल्यू। शैलो वेल में क्या हो रहा है, आपके पास शैलो वेल में हो रहा है कि वाटर फ्रॉम द इंपरवियस लेयर, इंपरवियस लेयर इन द ग्राउंड इज कॉल्ड शैलो वेल। और डीप वेल क्या हो जाएगा कि वाटर फ्रॉम बिलो द इंपरवियस लेयर, बिलो द इंपरवियस लेयर इज कॉल्ड डीप वेल। क्लियर है। तो यही पॉइंट हम लिखेंगे कि पहला फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, वाटर फ्रॉम द इंपरवियस लेयर, वाटर फ्रॉम द इंपरवियस लेयर, इंपरवियस लेयर इन ग्राउंड, और वहां पे वाटर फ्रॉम बिलो द इंपरवियस लेयर, वाटर फ्रॉम बिलो द इंपरवियस इंपरवियस लेयर, पहले से लिखती है बिलो द इंपरवियस लेयर। तो क्लियर हुआ
कि यहाँ पे पानी आपको परिवेश लेयर इम्परिवियस लेयर पे मिल गया और यहाँ पे वाटर आपको कहाँ मिला, इम्परिवियस लेयर के नीचे वाली लेयर पे, दैट इज परिवियस लेयर पे। क्लियर है? ये जो आपके पास शैलो वेल होते हैं ये यूजुअली आपके हैंड डग होते हैं। ये क्या होते हैं आपके पास? यूजुअली हैंड डग होते हैं, मतलब हाथ के द्वारा बनाते हैं इनको, हाथ के द्वारा आप गड्ढा खोदोगे। और ये क्या होते हैं आपके पास? यूजुअली मशीन डग होता है, मशीन द्वारा बनाया गया गड्ढा होता है। क्लियर है? मशीन डग। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, ये आपके पास फ्यू मीटर डेप्थ होती है इसकी, और इसकी ज्यादा डेप्थ होती है। अब कितना डग, अब एक पर्सन कितना गड्ढा खोद सकता है? वो अपने से ज्यादा गड्ढा तो कभी खोद ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो इसीलिए वो कितना गड्ढा खोदेगा? 3 से 5 मीटर का। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्यू मीटर डेप्थ, जो वाटर डेप्थ होगी यहां पे, जो गड्ढा होगा वो कितने पे होगा आपके पास? फ्यू मीटर डेप्थ पे होगा। बट वहां पे क्या होगा? सेवरल हंड्रेड डीप, सेवरल हंड्रेड डीप। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आपके पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो होते हैं आपके पास शैलो वेल होता है, लायबल टू पॉल्यूशन होता है। क्या होता है? लायबल टू पॉल्यूशन होता है। देखो कैसे, कि जो शैलो वेल होता है आपके पास ये, क्योंकि एक तो इंपरवियस लेवल पे है, इंपरवियस लेवल के साथ साथ तो उसकी जो वाटर की डेप्थ, तो ज्यादा डेप्थ भी नहीं है, ज्यादा डेप्थ पे भी नहीं है, मशीन द्वारा भी नहीं बनाया गया है, फ्यू मीटर डेप्थ तक है। तो लोग क्या करेंगे, इसको इजिली पॉल्यूटेड करना शुरू करेंगे, ठीक है? अपना कूड़ा कचरा का ढेर फेंकते रहेंगे, क्योंकि भाई ये क्या है, शैलो वेल है, नजदीक में है, तो वो क्या हो सकता है, उसमें जा सकता है कि जो भी वहां पे कूड़ा कचरा का ढेर हो सकता है। तो ये क्या है? लायबल टू पॉल्यूशन, लायबल टू पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन यहां पे हो सकता है। जब इस वाटर में पॉल्यूशन हो सकता है, तो क्या इस पानी को हम क्लियर वाटर बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। क्या इस पानी का हम पीने योग्य यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। तो हमें इस वाटर की क्या करनी पड़ेगी? डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करना पड़ेगा। यानी कि जो शैलो वेल का वाटर होता है डियर, इस वाटर को बोला जाता है कंटामिनेटेड वाटर। शैलो वेल के वाटर्स को क्या बोला जाता है आपके पास? कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर बोला जाता है, ठीक है? और कंटामिनेटेड वाटर बोला जाता है मतलब ये पानी कैसा है आपका? पॉल्यूटेड ही वाटर है एक तरह से, क्योंकि इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसको कंटामिनेटेड को यहां पे डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, कोई ना कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करना पड़ेगा, ठीक है? तो दैट इज लायबल टू पॉल्यूशन। बट डियर, जो आपका डीप वेल होता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है? सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या है? सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम। ये क्या है? सेटिस्फैक्टरी सोर्स है आपका वाटर सप्लाई सिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लायबल टू पॉल्यूशन है, वो सेटिस्फैक्टरी सोर्स है आपका। यहाँ पे ऐसा जरूरी, अगर ये पानी है, अगर आपका डीप वेल है, इसमें अगर आप ये वाटर थोड़ा क्या होता है आपका, क्लियर वाटर होता है। कैसा वाटर होता है? क्लियर वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की डिसइन्फेक्शन, यानी कि जो भी आपका डीप वेल होता है उसमें किसी भी प्रकार की हमें डिसइन्फेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम नो रिक्वायरमेंट टू डिसइन्फेक्शन, बट यहां पे क्या होगी आपको? डिसइन्फेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, टू रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटेड की। यहां पे क्या होगी? वाटर WT मतलब वाटर ट्रीटेड, वाटर ट्रीटेड में आपका डिसइन्फेक्शन भी आ गया, ठीक है? डिसइन्फेक्शन क्या होता है?
जो आपके जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करेगा, दैट इज नॉन एज डिसइन्फेक्शन। ठीक है, टू किल द पैथोजेंस, डिसइन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, टू किल द पैथोजेंस। और पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस वो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करेंगे आपको, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को ही हम पैथोजन बैक्टीरिया बोलते हैं। बाद में बताऊंगा, कोई बात नहीं, अभी आप इतना रखो कि डिसइन्फेक्शन क्या होता है, कि जो भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उनको किल करता है उसको डिसइन्फेक्शन बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि शैलो वेल में आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है, जैसे कि डिसइन्फेक्शन करने की जरूरत होती है, बट डीप वेल में आपको कोई भी नो रिक्वायरमेंट टू डिसइन्फेक्शन। क्लियर है। उसके बाद इसकी जो यील्ड होती है, यानी कि इसकी यील्ड, ये जो आपका शैलो वेल है, ये आपका ड्राई सीजन में क्या हो जाता है, समर हो जाता है। ठीक है, ड्राई समर सीजन में क्या हो जाता है, सॉरी ड्राई हो जाता है। तो आपके पास जो शैलो वेल है समर इन ड्राई सीजन, बट यहां पे क्या रहता है, यहां पे आपके पास कॉन्स्टेंटली सप्लाई रहती है। डीप वेल में क्या रहती है, चाहे आपका ड्राई वाला सीजन हो चाहे आपका विंटर वाला सीजन हो, यहां पे क्या रहती है, कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। क्लियर है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें से कौन सा वाटर ज्यादा हार्ड है, शैलो वेल आपका मॉडरेटली हार्ड है और डीप वेल आपका ज्यादा हार्ड है। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पास सर शैलो वेल है वो आपके पास मॉडरेटली हार्ड है और जो आपके पास डीप वेल है वो कैसा है, वो वेरी हार्ड है। क्लियर है। तो ये पॉइंट भी हमारा यहां पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो यहां पे आपके पास जो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है वो मैं अब आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि सर यहां पे इसका डिफरेंस बताइएगा। डिफरेंस बताने के साथ साथ आपसे पूछ सकता है, अब देखिएगा ईएससी लेवल के एग्जाम की बात भी जब भी हम करते हैं किसी भी एग्जाम में, तो सबसे पहला एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि शैलो वेल और डीप वेल में किस में आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो डीप वेल में आपको कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एक बार शायद किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डीप वेल इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिसइन्फेक्शन, बट जो आपका शैलो वेल होता है शैलो वेल इज रिक्वायर्ड टू डिसइन्फेक्शन। क्लियर है। तो क्योंकि ये पानी गंदा होता है वहां पे आपके पास अब ओपन भी है, शैलो वेल है ऊपर ही मिल गया है, तो यहां पे लोग इसको क्या करेंगे, ज्यादा गंदा हो सकता है, इसके ऊपर बहुत सारे अनवांटेड चीजें हो सकती है, जैसे आपका वहां पे हो सकता है कुछ फ्लोटिंग मटेरियल भी आ जाए इसके ऊपर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि लोगों ने अब थोड़ा समझ हो गए हैं, लोग उसके ऊपर एक मैश से उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं डियर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा शैलो वेल और डीप वेल भी क्या हो गया है, कंप्लीटेड हो गया है। अब बात करते हैं हम ट्यूब वेल में, और ट्यूब वेल भी मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स की हो सकती है, दो टाइप्स की ट्यूब वेल बताई थी मैंने आपको पास, देखिएगा, एक कैविटी टाइप ट्यूब वेल बताई थी, तो दैट इज कैविटी टाइप ट्यूब वेल, और दूसरी बताई थी मैंने स्क्रीन टाइप ट्यूब वेल। और स्क्रीन टाइप ट्यूब वेल में भी दो आती है, एक स्ट्रेनर टाइप ट्यूब वेल और ग्रेवल टाइप ट्यूब वेल। तो अगर मैं यहाँ पे कैविटी टाइप ट्यूब वेल की बात करता हूँ, इसका हम डायग्राम देखते हैं, ये आपके पास एक टॉप सॉइल है, डायग्राम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, दिस इज द, ये टॉप सॉइल है, लिखते हैं साथ साथ, ये आपके पास टॉप सॉइल है, दैट इज टॉप सॉइल, और उसके बाद ये आपके पास इंपरवियस लेयर है, इंपरवियस लेयर है, और ये आपके पास परिवियस लेयर है। नहीं आएगा तभी मैं परिवियस ही लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है डियर। अब जो कैविटी टाइप ट्यूब वेल होती है, इसको जो वाटर मिलता है वो कहां से मिलता है, इसको भी आपके पास परिवियस लेयर से ही वाटर मिलता है। जो यहां पे भी जो वाटर आएगा आपका पास वो कहां, कौन सी लेयर से आएगा आपके पास, दैट इज परिवियस लेयर से। तो ये बात याद रखना कि यहां पे जो एक पानी आएगा वो परवियस लेयर से आएगा। अब सर ये पानी आपको परवियस लेयर से आएगा किस फॉर्म में आएगा, यहां पे जो
पानी आएगा और डियर कुछ एक कैविटी की फॉर्म में आएगा, जैसे ही नीचे से पानी पानी यहाँ नीचे आएगा। अब यहाँ पे ये जो किसी ये जो आप पाइप को संग किया गया है, आपने इसके अंदर एक पाइप को संग किया गया है, ये पाइप किसी भी तरह के इसमें वीप होल नहीं है, जैसे साइडों में अदर में आएंगे वो वीप होल आएंगे, या उसको आप कह सकते हैं परफोरेटेड पाइप। ये पाइप आपके पास परफोरेटेड पाइप नहीं होती, यहाँ से ये पाइप क्या होती है, खुली होती है। तो ये पानी कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ से जाता है, पानी आपके नीचे सीप करता है, परवियस लेयर पे सीप करता है। तो जैसे ये परवियस लेयर है आपके पास यहाँ पे, तो पानी का कुछ इस तरह से यहाँ पे वो बन जाता है, आपके पास कुछ कैविटी टाइप बन जाती है। क्या बन जाती है, वाटर की यहाँ पे ये कैविटी टाइप बन जाती है, कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाती है, कैविटी टाइप। और ये जो कैविटी टाइप होती है, कुछ इस तरह से आपका वाटर यहाँ पे ऊपर सीप करेगा, खुला होगा यहाँ पे। और ये जो लेयर बनती है यहाँ पे, इस लेयर में ये कौन सी लेयर बनेगी, ये लेयर, ये जो एरिया होता है परवियस का जो लेयर होता है, ये किस टाइप का एरिया होता है, ये एक्वाफर एरिया होता है। कैसा एरिया होता है सर, ये एक्वाफर एरिया होता है। और एक्वाफर का एग्जांपल आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे या तो हो सकता है ग्रेवल भी हो सकता है और सैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है मेरे पास यहाँ पे एक्वाफर है, तो यहाँ पे आपका सैंड डिपॉजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कैविटी फॉर्म हो जाएगी। और ये कैविटी किसकी वजह से फॉर्म होगी, यहाँ पे कुछ कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, आपका सैंड डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, सैंड डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, क्लियर वाटर, क्लियर वाटर पूल, इसको क्या बोलते हैं, जो अंदर है आपका, ये तो आपके पास कौन सा है, यहाँ पे आपका सैंड एंड ग्रेवल है, ये क्या है आपके पास, सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है, बन जाएगी। और ये जो अंदर है दैट इज क्लियर वाटर, डायग्राम कोई नहीं पूछेगा यार आपसे, क्लियर है। और यहां से आपका पानी बाहर आप इसको ले जा सकते हैं, बाहर चाहे हैंड पंप हो चाहे कुछ हो। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, ये कैविटी टाइप ट्यूबवेल है। अगर उसी तरह से हम स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल का देखते हैं, तो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल का कुछ इस तरह से बनेगा, एक लेयर मान लेते हैं ये आपके पास क्ले की है, फिर ग्रेवल एंड सैंड की है, फिर क्ले की है, ठीक है। बड़े ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बनाई है, इसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर में मैंने कवर कर दिया है। हो सकता है जो ऊपर वाली अपर लेयर है आपके पास, उस लेयर को नाम दे देता हूं मैं क्ले की लेयर। कौन सी लेयर, क्ले की लेयर। अभी डायग्राम है, ये क्ले की लेयर है, ये आपके पास सैंड एंड ग्रेवल की लेयर है, सैंड एंड ग्रेवल की लेयर है, उसके बाद फिर से आपके पास क्ले की लेयर है, उसके बाद फिर से आपके पास सैंड एंड ग्रेवल की लेयर है, सैंड एंड ग्रेवल की लेयर है। अब आपने क्या किया, हो सकता है आपने यहाँ पे कोई पाइप को संग किया होगा, अर्थ सरफेस है पूरा आपके पास ये, अब इसमें क्या किया होगा, आपने एक पाइप को संग किया होगा। तो मैं क्या कर देता हूं सर, यहाँ पे मैंने एक पाइप को संग किया। अब बड़े ध्यान देना, ये पाइप की बड़ी ध्यान वाली बातें हैं। यहाँ पे पाइप को क्या किया सर, मैंने एक संग कर देता हूँ इसके नीचे, तो मैंने अर्थ में क्या कर दी, एक पाइप संग कर दी, पाइप को संग कर दिया है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्ले, जहां पे जो क्ले की लेयर है वो किस पाइप से कनेक्ट होगी, वो आपकी मेन पाइप से कनेक्ट होगी। तो यहां पे ये मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूं, इसको मेन पाइप से कनेक्ट कर रहा हूं। और जो सैंड एंड ग्रेवल की पाइप होगी वो किससे कनेक्ट होगी आपके पास, वो आपके पास स्ट्रेनर टाइप पाइप से कनेक्ट होगी। बड़े ध्यान देना है, यहां पे आपके पास दो टाइप की पाइप कनेक्ट होती है। कितने टाइप की पाइप होती है आपके पास, दो टाइप की पाइप होती है। एक होती है आपके पास मेन पाइप, ये वाली कौन सी पाइप होती है सर, मेन पाइप, तो यहां पे लिख देते हैं सर मेन पाइप। और दूसरी होती है स्क्रीन टाइप, तो स्क्रीन टाइप कुछ इस तरह से होगी आपके पास, ये आपके पास स्क्रीन टाइप होगी। जहां पे सैंड और ग्रेवल है वहां पे कौन सी पाइप होगी, है आपके पास स्क्रीन टाइप पाइप होगी। इसमें बस ये आपको डायग्राम समझ जाओगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, यानी कि क्ले के जहां पे भी क्ले की लेयर है वो किस पाइप से कनेक्टेड है सर, वो पाइप कनेक्टेड है आपकी मेन पाइप से। किससे कनेक्ट है, मेन पाइप से। और जो सर आपका जहां पे सैंड एंड ग्रेवल की लेयर है वो किस पाइप से कनेक्टेड है, वो सर कनेक्टेड है आपकी किससे, स्ट्रेनर टाइप से, स्ट्रेनर
टाइप से, स्टेनर टाइप पाइप से, तो ये भी दूसरी किससे कनेक्टेड है, मेन पाइप से, मेन पाइप से। और जो आपके जहां पे आपके स्ट्रेनर लगा है वो किससे कनेक्टेड है, आपकी स्ट्रेनर टाइप पाइप से, स्ट्रेनर टाइप पाइप से। क्लियर है? तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना आपको कि जो क्ले की, जो क्ले होता है जहां पे आपके क्ले की लेयर है यानी कि इंपरवियस लेयर है, क्ले की जो लेयर है उसके साथ कौन सी पाइप कनेक्ट है, मेन पाइप। सैंड एंड ग्रेवल से कौन सी पाइप कनेक्ट है, स्ट्रेनर पाइप। क्ले से कौन पाइप, मेन पाइप। एंड सैंड एंड ग्रेवल से कौन सी पाइप, स्ट्रेनर पाइप। जो स्ट्रेनर पाइप होती है डियर, यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, इसमें एक जो भी है पाइप को जो आपने संग किया है इसमें क्या होता है आपके पास, ये परफोरेटेड पाइप होती है। ये परफोरेटेड पाइप कैसी पाइप होती है, यहाँ पे एक परफोरेटेड, ये परफोरेटेड पाइप होती है। जो आपने एक पाइप संग किया है ये पाइप कैसा होता है आपके पास, परफोरेटेड पाइप होता है। अब ये परफोरेटेड पाइप से जो पानी आता है, सर पानी कैसे लेता है, सर नीचे से सीप होके ऊपर जाता है, नहीं, यहाँ पे जो वाटर जो सीप होता है डियर वो रेडियल डायरेक्शन में होता है। वाटर किस डायरेक्शन में रहता है आपका, यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में। वाटर किस डायरेक्शन में रहेगा, रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन में वाटर यहाँ पे एंटर करता है डियर। ये भी पूछा जाता है कि यहां से तो पानी क्या कर रहा था आपका, सीप होके भी हो सकता था, बट यहां पे क्या हो रहा है आपका, पानी रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। तो वाटर का फ्लो कैसा रहता है यहाँ पे, रेडियल में रहता है। अब रेडियल में रहेगा, अब भाई नीचे से नहीं आएगा क्योंकि नीचे तो आपके पास हार्ड स्ट्रेटा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है हार्ड स्ट्रेटा हो। अब आपका रेडियली फ्लो होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे आपके पार्ट्स क्या होते हैं, होल होते हैं। ये होल इतने छोटे होते हैं और इसको बाद में किससे, एक वायर मेश से कवर किया जाता है। ये जो आपके पास एक परफोरेटेड पाइप होती है, इस परफोरेटेड पाइप को किससे आपको किससे बांधना है, एक वायर मेश से कवर कर देते हैं। वायर मेश से इसलिए कवर कर देते हैं जिसको आप स्ट्रेनर भी बोल सकते हैं, वो आप स्ट्रेनर से कवर करते हैं कि जितने भी सैंड और ग्रेवल के जो पार्टिकल्स है वो उससे पास नहीं हो पाएंगे। जब सैंड और ग्रेवल के पार्टिकल इससे पास नहीं हो पाएंगे तो इससे सिर्फ क्या पास होगा, सिर्फ वाटर पास होगा, वाटर पास होगा। अब यहां पे क्या था, यहां पे इस तरह का किसी भी तरह का यहाँ पे क्या वायर मैश नहीं लगा था, इसीलिए यहां से क्या जा रहा है, इस वाटर के साथ क्या जा रहा है आपका, सैंड और ग्रिट, यानी कि जितने भी आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो सारे के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल पानी के साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बट स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में ऐसा नहीं है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपके पास यहाँ पे हमने क्या लगा दी है, एक जाली लगा दी है, यानी कि एक वायर मैश से इसको कवर कर दिया है। और जब इसको वायर मैश से कवर कर दिया है तो यहां से वो सारे जितने भी पार्टिकल्स थे वो क्या थे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, वो क्या हो गए, एक साथ इकट्ठे हो गए, तो हम उसको इजिली क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर हम सर कैविटी टाइप ट्यूबवेल की बात करते हैं और स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल की बात करते हैं तो इन दोनों वाटर में क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर है, सर क्वालिटी ज्यादा बेटर है आपकी स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल की। तो आप लिख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ कैविटी टाइप ट्यूबवेल, द क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी ऑफ this type tube well, this type tube well, tube well is not good, इसकी क्वालिटी क्या नहीं होती है आपकी, अच्छी नहीं होती है, ठीक है। बट यहां पे स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल की क्वालिटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ दिस टाइप, मतलब स्ट्रेनर टाइप, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल इज गुड, ठीक है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक चीज आपको यहां पे एक और भी याद रखनी है कि यहां पे एक बेल प्लग लगा होता है सेफ्टी पर्पस के लिए। यहां पे क्या लगा होता है आपके पास, एक बेल प्लग लगा होता है जो किसके लिए होता है आपका, सेफ्टी पर्पस के लिए। तो यहां पे क्या लगा है सर हमारे पास, बेल प्लग, इसको क्या नाम देंगे हम, दैट इज बेल प्लग लगा होता है। और बेल प्लग क्या होता है आपका, एक सेफ्टी का काम करता है। यहां पे बेल प्लग किस लिए लगा होता है, सेफ्टी के लिए। अगर हम यहीं पे बात करते हैं दूसरी ग्रेवल टाइप की बात करते हैं तो ग्रेवल टाइप में भी आपके पास कुछ लेयर बनी होती हैं, कुछ लेयर्स बनी होती हैं कुछ इस तरह से,
कुछ लेयर बनी होती है। इसमें भी जो लेयर बनी होती है, एक टॉप सॉइल होती है आपके पास, टॉप सॉइल, और एक बनेगी इम्परवियस लेयर की, और एक बनेगी आपके पास परवियस लेयर की। क्लियर है? बड़े ध्यान दीजिएगा, ये है आपके पास टॉप सॉइल, टॉप सॉइल दैट इज टॉप सॉइल की लेयर है, और दूसरी लेयर आपके पास इम्परवियस की लेयर है, और तीसरी लेयर आपके पास परवियस की है। ठीक है, अब बड़े ध्यान दीजिएगा, आप क्या करते हैं इसमें एक पाइप को संग करते हैं। तो ठीक है सर, एक पाइप को हमने क्या कर दिया यहां पे, संग करते हैं। तो एक पाइप को संग किया, ये जो एरिया है आपके पास ये किसका है अब आपका, दैट इज ठीक है, यहां पे वाटर का दिखा दिया कुछ मैंने इस तरह से। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, टॉप सॉइल इंपरवियस लेयर परवियस लेयर। अब इस जो आपके पास एक मेन पाइप को संक किया इसके अंदर एक और आप पाइप की एक और पाइप इसके अंदर ले जा सकते हैं। एक पाइप आपने इसके अंदर फिर से इंसर्ट कर दी सर, तो दूसरी पाइप मैंने एक और इंसर्ट कर दी, और जो दूसरी जो पाइप आपके पास मैंने इंसर्ट की, दूसरी पाइप मैंने इसके अंदर क्या कर दी है, इंसर्ट कर दी है। अब इस पाइप में क्या होता है आपके पास, इस पाइप में क्या होता है आपके पास, छोटे छोटे स्लॉट बने होते हैं। क्या बने होते हैं? छोटे छोटे स्लॉट बने होते हैं। इसमें क्या बने होते हैं आपके पास, छोटे छोटे क्या बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं। ठीक है, अब जो सर ये गैप रह जाता है आपका, मेन पाइप और एक पाइप आपने इसके अंदर दूसरी गई, इनके बीच में गैप रह जाता है। इस गैप को आप किससे फिल करते हैं, इसको आप ग्रेवल से फिल करते हैं। तो इसको किससे फिल किया आपने, ग्रेवल से फिल किया है। तो इसको मैं किससे फिल कर देता हूं, ग्रेवल से। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे यहां पे, ग्रेवल। ये जो लेयर आ गई आपके पास इसके अंदर, ये ग्रेवल की आ गई। और ये जो पाइप है, ये कैसी पाइप है आपके पास, परफोरेटेड पाइप। कैसी पाइप है आपके पास, बाहर जो पाइप लगी है और ये अंदर जो पाइपें लगी है, दोनों पाइप कैसी है आपके पास, परफोरेटेड पाइप। तो ये बात है आपको याद रखना कि जो पाइप है कैसी है आपके पास, परफोरेटेड पाइप, परफोरेटेड पाइप। अब देखिएगा यहां पे भी जो वाटर का फ्लो रहता है वो किस डायरेक्शन में रहता है, रेडियली फ्लो करता है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, अब देखो पानी यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो सबसे पहले पानी कहां आएगा आपके पास, परफोरेट, ये जो आपके जहां पे भी जाएगा आपका, ग्रेवल की जो लेयर बनी है, ग्रेवल की जो लेयर बनी है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, श्राउडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रेवल की लेयर को, श्राउडिंग। तो ये भी पूछा जाता है कि जो भी ये श्राउडिंग सर कहां पे लगा होता है आपका, श्राउडिंग जो आपके पास ग्रेवल की जो लेयर होती है उसको आप क्या बोलेंगे, श्राउडिंग बोलेंगे डियर। क्लियर है? अब जो आपके वाटर का फ्लो रहता है वो कैसे रहता है, रेडियली डायरेक्शन में। वाटर का जो फ्लो रहता है यहाँ पे रेडियली रहता है। अब पानी जाएगा, पानी पास होगा सर आपका किसा, परफोरेटेड पाइप से, परफोरेटेड पाइप से कहाँ जाएगा, आपके ग्रेवल पैक पे, ग्रेवल पैक से पानी फिर कहाँ जाएगा आपके, फिर दूसरे अब देखिए यहाँ पे पानी का कितनी बारी जा रहा है, यहाँ से आपका ग्रेवल पैक में गया, ग्रेवल पैक से आपके पास दूसरी पाइप के अंदर गया, दूसरी पाइप के वो स्लॉटेड से होता हुआ गया। ठीक है डियर, तो बट यहां पे सिर्फ एक ही कमी है, यानी कि उसने एक किसकी लेयर बना दी है, एक मतलब आपके पास एक तरह से सैंड की लेयर बनी गई है। सैंड की लेयर से आप पानी पास करते हैं तो जितनी भी आपकी सिल्ट इंप्योरिटीज होती है वो किसके ऊपर रुक जाती है आपके पास, सैंड उसके ऊपर रुक जाती है। बट अगर डियर इसको मैं इंप्रूव करना चाहूं, इसको मतलब ग्रेवल टाइप ट्यूबवेल को मैं इंप्रूव करना चाहूं, तो मैं यहां पर क्या कर सकता था, इसके ऊपर मैं हल्का अगर जाली लगा देता था, अगर मैं इसके ऊपर हल्की सी अगर वायर मैश कर देता था, तो मेरे पास इस पानी की वाटर की क्वालिटी क्या हो जाती है, कुछ और ज्यादा होती है जाती। तो अगर आपके पास देखा जाए तो जो आपका फिल्टर मीडिया होता है तो कुछ इस तरह से बन जाता है, बट उन्होंने यहां पे किसी भी टाइप का क्या नहीं डाली है, वायर मैश नहीं डाली, तो इसमें वायर मैश डाली है। तो इसका एक ही एडवांटेज यह है कि जो आपका ग्रेवल टाइप ट्यूब वेल है कि हाँ सर उसमें ग्रेवल की लेयर तो लगा दी, दैट लेयर इज नोन एज श्राउडिंग,
बट सर वहाँ पे किसी टाइप का वायर मेश नहीं है और अभी भी कहीं ना कहीं आपके पास जो सिल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो भी सर आपके पानी में एंटर कर रहे हैं। वो पूरी तरह से ग्रेवल ने उनको रोक के नहीं रखा है, उसमें क्या हो गया, हो कुछ ना कुछ वो पार्टिकल्स थे हल्के, बिल्कुल हो सकता है कि जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं कुछ, वो अभी क्या कर गए पास करके। बट हो सकता है, मतलब ज्यादा ये भी नहीं बोलोगे कि माइक्रो में हो गए, हाँ दिख रहे हैं बट वो थोड़े हल्के हल्के दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीन लगा दी आपने, स्ट्रेनर लगा दिया, और स्ट्रेनर लगने से क्या हो गया, पानी बिल्कुल छन गया आपका, जितने भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे ऊपर रह गए। बट यहाँ पे क्या था, ग्रेवल ने सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अपने ऊपर नहीं रखा, उससे कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी रहे कि वो पानी के साथ फ्लो करते हुए आगे निकल गए। तो इसकी जो भी आपके पास ग्रेवल टाइप ट्यूबवेल होता है, इसकी क्वालिटी लेस होती है एज कंपेयर्ड स्ट्रेनर टाइप, बट कैविटी टाइप ट्यूबवेल से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है? तो यहां पे लिख देता हूं, इट्स क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी होती है, इट्स क्वालिटी इज नॉट गुड, नॉट गुड एज कंपेयर्ड टू स्ट्रेनर टाइप, एज कंपेयर टू स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। क्लियर है? वैसे तो आप सभी को पता है कि जो ट्यूबवेल है सारा पानी अच्छा है, बेटर है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बट यहां पे क्या है कि आपके वाटर के साथ कर कुछ सिल्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी क्वालिटी क्या है, उतनी अच्छी नहीं है। पानी बिल्कुल आपको धुंधला दिखाई दे रहा है पानी, ठीक है, पानी के अंदर आपको उसको कैसे दिखाया, बिल्कुल क्लीन वाटर नहीं दिखाई दे रहा है। बट स्ट्रेनर आने से, यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पे एक बेल प्लग लगा दिया आपका सेफ्टी पर्पज के लिए, दैट इज बेल प्लग, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, आपके स्ट्रेनर से लगने से कि जितने भी आपके सिल्ट पार्टिकल्स थे, हो सकता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो जाली के ऊपर रुक गए, पानी आपका उसके बाद, इसकी क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हुई है, ज्यादा इंप्रूव हुई है इससे कंपैरिजन में, तो बहुत ज्यादा हुई है। बट इसको ज्यादा इंप्रूव किया है किसने, आपके ग्रेवल टाइप ने। ग्रेवल टाइप के आ जाने से कुछ हो सकता है कि कुछ सस्पेंडेड इंप्योरिटीज इन ग्रेवल की जो आपके पास एक लेयर्स बनी है इसने कंट्रोल कर ली हो गया। तो इस तरह से अगर हम स्ट्रेनर टाइप और ग्रेवल में जो सबसे बेस्ट रहता है वो स्ट्रेनर रहता है, स्ट्रेनर के बाद आपका ग्रेवल रहेगा और ग्रेवल के बाद आपका कैविटी रहेगा। तो अगर मैं यहां पे सबसे ज्यादा क्वालिटी किसकी है वाटर की, स्ट्रेनर टाइप की, उसके बाद ग्रेवल टाइप की, और उसके बाद आपकी कैविटी टाइप की। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये वेल्स का जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ डियर। अब मिलेंगे डियर एक नेक्स्ट अगले टॉपिक में, जिसमें हम इंटैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे डियर। तो ओके गाइस, थैंक यू।